नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में दो दर्जन के करीब लूट, हत्या, डकैती, चोरी और गौ तस्करी के मामले में बहुचर्चित बुरहान गैंग के मुखिया समेत तीन लोगों को यमुनानगर के एवीटी सेल ने गिरफ्तार किया है। मुखिया बुरहान उत्तर प्रदेश में लूट के दौरान हत्या को भी अंजाम दे चुका है, जबकि इन दिनों यमुनानगर में टाटा एस जैसी गाड़ी को चुराने के बाद इन गाड़ियों से जिले में आवारा घूम रही गायों को चुराकर उन्हें उत्तराखंड में किलो के हिसाब से बेचकर आता था। हालांकि बुरहान पहले उत्तर प्रदेश में लूट के दौरान हत्या को भी अंजाम दे चुका है और ये गैंग कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन जेल जाने के बाद भी इन लोगों की ओर से किए जाने वाला क्राइम रुकने का नाम नहीं लेता। बुरहान हाल ही में हिमाचल की जिला जेल से जमानत पर बाहर आया था और अब ये गौ तस्करी को अंजाम देने में लगा हुआ था। दिसंबर माह में जेल से बाहर आते ही छोटी गाड़ियों को चुराने के बाद उन्हीं गाड़ियों से ये गैंग गौ तस्करी कर रहा था। हालांकि इन दिनों यमुनानगर की पुलिस पर ही कोई वारदात करने की फिराक में था, लेकिन समय रहते ही ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुरुआत में ही पुलिस ने इनके पास से चोरी की दो टाटा एस और हथियार बरामद किए हैं। दो दर्जन से अधिक मामलों को अंजाम दे चुके बुरहान गैंग की पुलिस को काफी समय से तलाश थी, लेकिन गैंग का मुखिया हिमाचल का जिला जेल में होने के कारण ये लोग वारदात को कम अंजाम दे रहे थे, लेकिन दिसंबर में जेल से बाहर आते ही इनकी वारदात की संख्या लगातार बढ़ रही थी। यमुनानगर की एवीटी सेल ने जब इस गैंग को गिरफ्तार किया तो उनके पास से देसी कट्टा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए थे। हालांकि अब ये लोग वाहन चोरी करने के बाद बड़ी संख्या में गौ तस्करी को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए तीनों आरोपी सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और इन लोगों की हरियाणा, हिमाचल और यूपी पुलिस को तलाश थी। पुलिस इन लोगों को कोर्ट में पेश कर इनका पुलिस रिमांड लेने जा रही है और पुलिस की पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जब पुलिस चोरी के वाहन को लेकर गाय ले जाते समय इनका पीछा कर रही थी तो इनकी टाटा एस गाड़ी डंपर से टकरा गई थी और ये गाड़ी को छोड़कर जंगल में फरार हो गए थे। वहीं से ही पुलिस पर हमला करने की फिराक में थे कि तभी ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। छः से सात बजे से सायंकालीन इलाका थाना बूढ़िया के अधिकार क्षेत्र का जंगल में से लूट की वारदात में होने की बात लगाते हैं। एवीटी सेल द्वारा, एंटी व्हीकल थेफ्ट द्वारा, रमेश राणा के द्वारा हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश पे और ये एक गैंग पकड़ा है जो यूपी का रहने वाला है और जिन्होंने दो दर्जन के करीब हत्या, लूट, डकैती और गाँव तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। और हमारे यहाँ भी इन्होंने पिछले दिसंबर में दो टाटा एस चोरी करे थे, वो भी इनसे बरामद हुए हैं और ये हथियार सहित काबू किए हैं और भी कुछ वारदात का खुलासा होने की संभावना है। ये बुरहान नाम का गैंग है, इसमें इसके तीन साथी पकड़े गए हैं, इरफान और अजय और शुभम, तीन साथी पकड़े गए हैं और अभी भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी कोई खुलासे होने की संभावना है। हाँ, ये इसने अपने बताया है, अभी कई बार अभी इन्वेस्टिगेशन है, जारी है, इसमें कुछ बातें और भी सामने आने की संभावना है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।